हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज आपकी बाजी के साथ हुआ कुछ यूं कि आपकी बाजी कर रही थी यूट्यूब को स्क्रॉल और यकदम मेरे आगे ये वाला चैनल आया जिसमें था फातिमा फैसल का किचन व्लॉग, और किचन व्लॉग नहीं था, फ्रिज टूर था। और फ्रिज टूर पे व्यूज़ आए हुए 1.4 मिलियन। ओ माय गॉड यार गाइस, मैं तो बस इस सोच में हैरान हो गई कि इनके फ्रिज में ऐसा क्या है जो हमारी फ्रिज में नहीं है, मतलब कि इतने व्यूज़। तो बस फिर गाइस, आपकी बाजी को तो लग गई अब ये देख के। फिर आपकी बाजी ने फटाफट फैसला लिया कि आज आपकी बाजी अपना भी फ्रिज टूर कर दिया, और क्योंकि ये बस ये देखने के लिए कि मुझे भी इतने व्यूज़ आते हैं, तो फिर मैंने फटाफट अपने आपके भाई के जूते को पहना और अपने जूते को ठुड्डा कराया। अचानक से मेरा जूता उल्टा हो गया था, और फिर रास्ते में मुझे मिली ये कुछ पड़ी हुई लाशें। तो जी गाइस, ये है मेरा क्यूट सा डॉलेंस का फ्रिज, और मैं पहुंच चुकी थी अपने फ्रिज के पास। तो जैसा कि आज आपकी बाजी आपको अपना फ्रिज टूर करवा रही है, तो चलो जी अब इसका डोर ओपन करके देखते हैं फ्रिज में है क्या क्या। तो जी गाइस, मैंने यहाँ पहले इसका डोर ओपन किया, और ये बैठा अंडों वाला पोर्क, जो गर्मी होने की वजह से घर में कोई भी अंडे नहीं खाता, और ये वाला पोर्क बिल्कुल खाली है। ओ सॉरी, ओके। फिर अभी हम लोग सिर्फ डोर देखते हैं। फिर इसके बाद ये बंद पड़ा हुआ है चाय के साथ खाने के लिए, ये यासर ब्रोस का बंद है। उसके बाद हमारे पास है विक्स, अक्सर गर्मी भी लग जाती है ना तो फ्लू वगैरह की वजह से। तो ये है अर्के गुलाब, जो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुए और मैंने इसे ऊपर से सारा किचन मिचर कर दिया। गाइस बाकी सब छोड़ो, पहले आप मेरे नाखून देखो। आए हाय, आपकी बाजी के कितने प्यारे नाखून है ना। ओके, तो फिर इसके बाद आता है ये हमारे पास एप्पल का सिरका पड़ा हुआ है। फिर है ये वाली क्लासिक कीमियो, और फिर ये वाला एक सिरप है। गाइस फ्रिज में तो बहुत कुछ आपकी बाजी ने सजाया हुआ था, लेकिन ये फ्रिज ना कल आपकी बाजी की हुकूमत के हत्थे चढ़ गई, मतलब उन्होंने फिर सब कुछ ये वो ना तितर बितर कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला। ओके, तो अब हम आते हैं फ्रिज की तरफ। तो यहाँ पर कुछ कटे हुए मैंगो पड़े हुए हैं, और ये पड़ा हुआ है हमारे घर में क्या होगा, ये आटा, हमारी छोटी सी फैमिली का छोटू सा फ्रिज टूर। और फिर यहाँ है डूडू, डूडू भी खत्म होने वाला है, चीजों को वापस ऑर्गेनाइज भी करके रखना है। ओके, तो फिर अब हम ये देखते हैं ये क्या गंदी सी प्लेट, और नीचे पड़ा हुआ है योगर्ट, मतलब कि दही का रायता पड़ा हुआ है। अब हम इसे भी ऊपर करके रखते हैं। फिर ये वाला एक बॉक्स आ गया, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या। सो गाइस, इसमें पड़ा हुआ है नारियल। अच्छा, तो फिर अब हम इसमें देखते हैं, इसमें पड़ी हुई है दाल, क्योंकि जब तक ईद नहीं आनी हुकूमत ने सिर्फ दाल ही खिलानी है। और फिर यहाँ हांडी से बचा हुआ ऑयल पड़ा है। भाई हम अपनी चीज़ें क्यों ज़ाया करें, जब खुद ही इस्तेमाल करना है तो फिर ध्यान से इस्तेमाल करो ना, फजूल खर्चे और इसराफ पसंदी तो हमारे दीन में भी नहीं पसंद की गई। सारा ऊपर ही नहीं ना वजन डालना, नीचे भी डालना है। तो जी ये था, फिर अब हम नीचे आते हैं। इसमें क्या है, खुल जा सिम सिम। यार ये कितना तंग है, बट आपके बाजी के का कमाल। अच्छा, तो इसमें पड़ा हुआ है अंबियों का मुरब्बा, पहले खुल नहीं था और अब बंद नहीं हो रहा। तो फिर अब ये आपको जो बहुत गंदा से नजर आएगा, इसे कोई भी गंदा ना कहे, ये है मेरी किचन का फूड जिन्हें मैं घर बनाती हूँ। उसके बाद आ जाती हैं ये पानी वाली बोतलें, इनको हम मुंह लगा के पीने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है हुकूमत की तरफ से, ये सिर्फ ठंडी होने के लिए रखी है। कोई भी हमारे घर में ना वो हड़ हड़म ही नहीं करता है, मतलब आया ढक्कन खोली और मुंह में डाल के तो पी भी गया, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। स्पेशल ग्लास लाओ और फिर इस पानी से हमें पानी, इस बोतल से हमें पानी पीने की इजाजत मिलती है, समझ आ गई। ओके, तो फिर अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पड़ी हुई हैं खुबानियां,
ये क्या है नीचे? ओके, तो इसके बाद पड़ी हुई हैं चेरियां। तो जी गाइस, ये थी मेरी ऊपर वाली फ्रिज। अब निचली फ्रिज को ये वाला बॉक्स खोल दिया। तो यहाँ पड़े हुए हैं खरबूजे, मैंगो, लाल हरी मिर्चें, तो तीखी मिर्चें, और ये कुछ खराब हुए टमाटर और मैंगो। ओके, तो अब बारी आ दिया ऊपर वाले डोर के। चलो अब हम ऊपर वाला डोर खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या। टन टन है। तो जैसे कि गाइस, फ्रिज हुकूमत के हाथ में। यहाँ पर उन्होंने संभाला करके रखा हुआ है स्ट्रॉबेरियों का। डेली स्ट्रॉबेरी शेक पीते हैं, इस वजह से थोड़ी सी रह गई और सीजन भी आउट हो गया, नहीं तो बहुत ज्यादा था। इसमें शायद फालसा है जो कि बहुत ज्यादा जमा हुआ। और यहाँ पर टमाटर है, हमारे ना सारे टमाटर नीचे पड़े होने की वजह से ना खराब हो गए, जैसा कि मैंने दिखाया था ना। तो अब ये कुछ फ्रीज कर दिए। और यहाँ ये लहसुन छील के रखा हुआ। ये आ गई आइस बॉटल्स, इसके बाद है ये आइस क्यूब्स, और ये हैं बर्फ के कोले, और ये हैं टमाटर। ठीक है यार, वाकई नो डाउट फुप्पो ने फ्रिज बहुत ज्यादा साफ किया है। वल्ला तोबा, ये फ्रिज में आपको कल परसों दिखा देती ना। आप सबने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया ना था। तो जी गाइस, ये था मेरे छोटी सी फैमिली के छोटी सी फ्रिज का छोटा सा टूर। अब देखते हैं सिस्ट्रोलॉजी के फ्रिज टूर पे व्यू ज्यादा है या मेरी पे व्यू ज्यादा। ओके, तो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये मिनी सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अपनी बाजी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एडवांस ईद मुबारक। और ये है हमारी पानी वाली बोतल जिन्हें हमने 90s की ड्रम्मी के ऊपर रखा हुआ है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एक बार फिर नाखन देखते हो।